कंसिडरिंग आपने इतने हुलिये बदले, अपनी मुंबई शहर में आप किसको देख के बहुत सोचते हो भैया इसका हुलिया बदलना चाहिए, चाहे वो टैक्सी वाले की यू नो इस कपड़े को लेकर हो या कुछ भी, कोई भी अगर एक चीज़। कोई भी जब थूकता है ना बाहर गाड़ी से, तो मेरा मन करता है कि मैं उसका हुलिया बदल दूं एक थप्पड़ देके। यू नो रिसेंटली एक लड़की ने बैंड्रा में ऐसा किया, तो उसका हुलिया बदल दिया यार। रियली? या ही गॉट ऑफ टू टेल देम कि ये क्या कर रहे हो, तुमने क्यों ये कैन फेंका है यहाँ पे, बैंड्रा में हुआ था ये। फिर उन्होंने जाके उसको ये दे दमादम मारा और फिर वापस अपने BMW या ऐसे कुछ गाड़ी बैठी थी और फिर दैट्स टेरिबल। जब स्पेशली पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं तो फिर क्या कह सकते हैं, अपनी वेरी डिस्गस्टिंग। पर मुंबई में मैंने देखा पढ़े लिखे लोग ही ऐसे करते हैं, CA, चार्टर अकाउंटेंट, बड़े बड़े लोग, यू नो लाइक वेयर यू थिंक दैट कम्स फ्रॉम द एटीट्यूड। इन फैक्ट आई फील इन बॉम्बे जनरली नीड्स अ फेसलिफ्ट, बट आई एम श्योर दिस मूवी हैज मेड यू फील लाइक दैट इन स्पिरिट समहाउ, क्योंकि एज एन एक्टर टू डू सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स इन वन मूवी इज जस्ट सो एक्साइटिंग, यू नो। फेसलिफ्ट इज अ स्लाइटली ट्रिकी वर्ड फॉर एक्टर्स। नहीं, और मैं कॉस्मेटिक सर्जरी के बहुत खिलाफ हूँ, तो आई विल नॉट से फेसलिफ्ट, पर मैंने बोल दिया एनीवे। पर हाँ, बहुत मजा आया बॉबी जासूस में, इतने सारे किरदार निभाए, किरदार मतलब ऑफ कोर्स वॉक इन पार्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिसगाइसेस, पर बड़ा मजा आया स्पेशली इन द मेल डिसगाइसेस, दाढ़ी मूछ लगा के, जैसे मैं कह रही थी कि, और होता था ये कि दाढ़ी मूछ लगाते ही मेरी आवाज बदल जाती, मेरा पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है सब बहुत खुल के मैं बोलने लगती थी, और ऐसे बैठती भी थी तो बहुत खुल के। यू मेट अ लॉट ऑफ असली जासूस को, हम जैसे मिले थे ट्रेलर लॉन्च में। हाँ, ट्रेलर लॉन्च पे मैं मिली थी, पर फिल्म के पहले मेरी काफी डिटेक्टिव एजेंसी से बात हुई। एंड विद्या, व्हाट इज शॉकिंग इज कि ज्यादा लड़कियां जासूस बनी फ्री, बिकॉज़ वी आर जस्ट बेटर अर्चना एट व्हाटएवर वी डू, व्हाट व्हाई इज इट शॉकिंग। और हमारे इंस्टिंक्ट्स जो हैं बहुत शार्प होते हैं, और इसके अलावा आई थिंक हमें वो जासूसी का कीड़ा वैसे भी है, ये लड़के सारे दगाबाज होते हैं तो लड़कियों को जासूसी करनी पड़ती है। करेक्ट। तो उसमें आपको क्या पता चला था जासूसों के बारे में जब आपने? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जिस तरह से वो लोग अप्रोच कर रहे थे। मैं ऑफकोर्स उनको मैंने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, मैंने सिर्फ बताया कि एक केस है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। तो जिस तरह से उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और जिस तरह से उन्होंने कहा, बैकग्राउंड सर्च उन्होंने फ़ोन पे ही करना शुरू कर दिया कि आप रहते कहाँ है, करते क्या है, क्या प्रॉब्लम है, जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं, आपके क्या रिलेशन में वगैरह, बहुत बेसिक सवाल। वेरी गुड। अभी हम लोग ने करण जौहर और करीना कपूर को ऑन द फेस बोल दिया कि आप सबसे बड़े जासूस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो आपका तो नाम वहाँ पे टैग पड़ गया है, लेकिन आपने किसी को एक्टर को देखा भैया ये तो इससे भी बड़ा जासूस है, कोई है आपके? मुझे लगता है रणबीर सबसे बड़ा जासूस है। वो भी आपको आके जासूसगिरी मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं? अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, पर मैं निकलवा लेती हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, रणबीर में वो इंक्विजिटिवनेस जो है मुझे दिखता है, एंड नॉट इन अ बैड वे, हाँ, बट जस्ट वो इंक्विजिटिव है, तो मुझे लगता है कि वो जासूसी कर सकते हैं। और लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं है, असल बात तो यही है, यू डोंट गिव अ डैम। अच्छा, आप भूल रही है कि मैं एक्टर हूँ। अगर मैं हूँ भी तो आपको पता नहीं चलेगा। परिणीति's turn, 7 साल 7 दिन पहले आप कहाँ थी? 7 साल पहले मैंने अभी भी कैलकुलेट किया, मैं क्लास 12 में थी, मैं स्कूल में थी। हेलो, एक्सक्यूज मी, या 2006 आई वाज इन क्लास 12।